इधर यूपी में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन आज पक्ष और विपक्ष के बीच में गुत्थम गुत्थी हो गई है। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। अखिलेश यादव तू तड़क पर उतर आए हैं और धमकी देने लगे, जिसके बाद योगी ने भी करारा जवाब दिया और ये कहा कि सदन की भाषा की मर्यादा को तार तार नहीं करने देंगे, बर्दाश्त नहीं है। रिपोर्ट देखिए। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुमने पिताजी से पैसा लाते हैं बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी क्या बात है। विधानसभा में गुत्थम गुत्थी, तू तड़ाक पर उतरे अखिलेश। अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष तक सत्ता में आने का योग नहीं। योगी के सामने केशव प्रसाद और अखिलेश के बीच बहस। सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुमने पिताजी से पैसा लाते हैं बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी सफेद कुर्ते पैजामे के ऊपर सदरी और सिर पर लाल टोपी लगाए विधानसभा में तू तड़ाक और सदन की गरिमा की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन्हें कौन नहीं जानता है। वर्तमान में माननीय विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यूपी की गद्दी पर सालों तक राज कर चुके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन सदन में सड़क छाप गुंडे की तरह बात कर रहे हैं। तुमने घर के, तुमने पिताजी से पैसा लाते हैं बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी क्या बात है। वाह अखिलेश बबुआ वाह, आपको तो गोल्ड मेडल मिलनी चाहिए। अब चुनाव भले ही हार गए हैं, लेकिन अपनी सड़क छाप भाषा से सदन में माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जरूर हरा दिए हैं और इस पर आपको और आपके विधायकों को गर्व हो रहा होगा, लेकिन इसकी शुरुआत भी तो आपने ही की थी। डिप्टी सीएम तो शांति से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आपके सिर पर तो सदन की गरिमा तोड़ने का भूत सवार था। यूपी के 25 करोड़ जनता को अपनी नौटंकी दिखानी थी, तो यूपी ही क्यों, पूरे देश की जनता देख ली हार के बाद कैसे अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। तुमने घर के, तुमने पिताजी से पैसा लाते हैं बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा है तो पिताजी क्या बात है। बात है क्या? वाह, अखिलेश यादव को लगा कि तू तड़ाक की भाषा से बात करेंगे तो सदन में उनके विधायक उन पर सिक्के उछालेंगे। जनता एक मिनट के इस लाल टोपी बदनाम फिल्म देखकर तालियां बजाएगी, लेकिन अफसोस अखिलेश बबुआ के इस लाल टोपी बदनाम फिल्म को योगी बाबा ने फ्लॉप कर दिया और अखिलेश को नसीहत दे दी, चेता दिया कि सदन में रहना है तो गरिमा से रहिए वरना ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बन रही है, बनी है, तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। इससे पहले सदन के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अखिलेश ने योगी सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था, तो सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में अखिलेश को जवाब दिया, जरा वो भी सुन लीजिए। अधिकारियों की शिकायतें जब हुई तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं।